गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कांचन। आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी ये काम से ही व्लॉग स्टार्ट हुआ है, तो आपको दिखा दूँ। सुबह सुबह ये आ गए थे कारपेंटर भैया हमारे, और ये स्टार्ट किया है इन्होंने काम करना, तो यहाँ पर ये स्ट्रिप्स लगवा रहे हैं। एक्चुअली ये वार्म लाइट नहीं होता है, वार्म लाइटिंग वो लगवा रहे हैं यहाँ पर, और लगने के बाद तो आपको पता चल ही जाएगा कि कैसे लगेगी, तो बहुत अच्छी लगने वाली है, आप लोग देख लेना बाद में। और यहाँ पर बस वो लगने के बाद मैं अपने काम करूँगी। एक्चुअली आज किचन का काम था ना, तो आज मैंने किचन का काम जल्दी जल्दी समेटा। और ये है मेरा लाइटिंग वाला मिरर, जो आपको बाद में ही देखने के लिए मिलेगा, इसका फाइनल रिजल्ट कैसा है, तो मतलब ये कैसे बनने वाला है पूरा। तो गाइस, जस्ट नहा के आई हूँ और मुझे जाना है बाहर, तो मैंने सोचा चलो मैं पहले स्किन केयर कर लेती हूँ। और नहा के आने के बाद आपको पता है कि मैं टोनर यूज़ करती हूँ, बट आज मैं टोनर यूज़ करने वाली हूँ ये वायम आयुर्वेदा का, और ये प्योर लवेंडर वाटर है। ये एज ए टोनर भी आप यूज़ कर सकते हो, इतना सूदिंग इफेक्ट देता है ना ये, और इससे आपके पोर्स भी अच्छे से मिनिमाइज होते हैं। जो टोनर का काम है वो करता है, मिनिमाइज होते हैं, उसके बाद टोन होती है आपकी स्किन, और काफ़ी अच्छा सूदिंग आपको लगता है। और ये 100% प्योर है, ये वायम आयुर्वेदा का है, आयुर्वेदिक है, इसी वजह से आपको कोई भी साइड इफेक्ट की टेंशन नहीं है कि इससे कोई साइड इफेक्ट होगा। बहुत ही अच्छा सूदिंग और काम इफेक्ट मिलता है आपको इससे, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, 100% प्योर है, आप ले सकते हो इसे। और उसके बाद मैं यूज़ करूँगी, ये एब्जॉर्ब होने दूंगी, और उसके बाद यूज़ करूँगी ये वायम आयुर्वेदा का प्योर एलोवेरा जेल। ये इसका कलर आप देखो, ये ट्रांसपेरेंट है, इसी वजह से इसमें कोई भी कलर वगैरह एडेड नहीं है। और इसे आप बालों पे भी यूज़ कर सकते हो, और इसे आप फेस पे भी यूज़ कर सकते हो। जिनके एक्ने हैं या एक्ने के मास्क है, या बहुत ज़्यादा पिंपल्स है, जिनको पिंपल्स की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो ये यूज़ कर सकते हैं। और प्योर जेल है, तो इसी वजह से आप इसे ले सकते हो, और आयुर्वेदिक है, तो टेंशन की कोई भी बात नहीं है कि इसमें केमिकल एडेड है तो और भी ज़्यादा स्किन ख़राब होगी, कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है ये जेल, मतलब जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है, इसे अप्लाई कर लेना है टोनर अप्लाई करने के बाद, और ये जल्दी से एब्जॉर्ब होगा और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके पिंपल्स इससे जल्दी ठीक हो जाएंगे। और आपको हेयर पे अप्लाई करना है, तो अगर आपका डैंड्रफ है तो आप हेयर पे अप्लाई कर सकते हो, आपके रफ बाल है तो भी आप हेयर पे अप्लाई कर सकते हो। इसे रूट पे अप्लाई करना है, आपको कुछ देर के लिए छोड़ देना है, मतलब 1-2 घंटे के लिए छोड़ देना है, और उसके बाद पानी से वॉश कर लेना है, सिंपल पानी से। उससे आपके हेयर बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे, सिल्की हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे, और आपका जो डैंड्रफ है वो भी खत्म हो जाएगा। तो आप इसे आप मेकअप प्राइमर की तरह भी यूज़ कर सकते हो, अगर आपको डेली मेकअप प्राइमर यूज़ नहीं करना है तो एज अ मेकअप प्राइमर भी इसे यूज़ कर सकते हो। इससे आपके पोर्स तो मिनिमाइज होते हैं, और अंदर आपके केमिकल वाला जो आपका मेकअप है वो अंदर आपके स्किन के अंदर, आपके पोर्स के अंदर नहीं जाएगा, तो इसे आप एज अ प्राइमर भी यूज़ कर सकते हो। बहुत ही ज़्यादा अच्छा एलोवेरा जेल है, इन दोनों प्रोडक्ट को आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाले हैं। आयुर्वेदिक है, इस वजह से टेंशन लेने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि आपको सूट नहीं होंगे करके। अगर आपको इन दोनों प्रोडक्ट को परचेस करना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप लिंक पे क्लिक करके इन दोनों प्रोडक्ट को परचेस कर सकते हो। अगर आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप मेरा कूपन कोड भी यूज़ कर सकते हो, तो मैंने GET100 जो मेरा कूपन कोड है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वो यूज़ करके 10% एक्स्ट्रा ऑफ पा सकते हो। तो जल्दी से मैं रेडी हो जाती हूँ और मिलती हूँ आपको थोड़ी देर के बाद। ये खिड़की में बैठ के ऑनलाइन क्लास कर रही है इस मैडम को देखो। हाँ जी, कैमरा ऑफ है, अच्छा है, ये नई स्टाइल है माही की, आप भी करना। तो चलिए गाइज, मैं रेडी हो चुकी हूँ, और ये वाला ड्रेस पहना, ये मुझे इन्होंने बर्थडे पे गिफ्ट दिया है। बहुत सारी कुर्तीज है, मैं आपको दिखाऊंगी क्या क्या दिया है इन्होंने, बहुत अच्छी अच्छी और ब्रांडेड कुर्तीज दी है। यही एक थोड़ी सी रेगुलर यूज वाली है, तो मैंने सोचा चलो ये पहन लेती हूँ आज, और ये ब्लैक कलर की है तो मेरी फेवरेट है। चलिए, कैसे लग रही है ज़रूर बताना कमेंट करके। निकलती हूँ अभी और मास्क ले लेती हूँ अपना। चलिए, ये मास्क ले लिया है। अपने घर पे ही थी क्या? ये घर पे थी, वो अभी नहीं लाई। ये अभी लाना नहीं पड़ेगा? क्यों? हाँ, आपके लिए मैं कर दूंगी बेटा। कौन सा चाहिए आपको? स्पाइडरमैन वाला स्केटबोर्ड भी चाहिए? हाँ। सारी चीजें स्पाइडरमैन वाली ही? हाँ। ठीक है, बर मी क्या म्हणते आपल्या त्या कॉम्प्युटर टेबलला किती नॉब लागतील? तीन तीनच ना? आणखी दुसरे नॉब तर नाही आहे ना? नाही, मग
ते आपण सुजडा बनवू त्याला त्याला लागेल हां त्याला किती लागतील तीन आणि एक चार पाहिजे चार आणि हे तीन हां सात सात ठीक आहे ठीक आहे चलिए अभी निकलती हूँ एक मिनट गेट बंद करना है रुको नहीं तो चले जाओगे बोला ना रुको 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 कीचड़ होता ना अच्छा अच्छा ये देखो मैट कैसा हो गया फाइनली निकल गया है ये रह गया है वो रह गया है ऐसा कर करके कर करके आधा घंटा हो गया नहीं अभी एक साथ पूरे काम करना जरूरी है कि नहीं हाँ ये रह गया है वो रह गया है कर करके आधा घंटा हो गया आधे घंटे से सोच रहे अभी निकलेंगे और याद आ रहा है और फिर ले रहे देखो कांच गिरेगा तो नहीं अच्छे से रखा है ना ये जो मंदिर का ग्लास है उसपे स्वास्तिक जो है वो उल्टा गया था उन्होंने मतलब उल्टा प्रिंट हो गया था हमने वो पूरा ग्लास ही चेंज कर दिया तो इसी वजह से वो ये वापस दे देंगे उन्हें और दूसरा जो ग्लास बनाएंगे वो लेके आएंगे मतलब अभी तो नहीं कुछ दिन तो लगेंगे ये कितने दिन लगेंगे वैसे दो तीन दिन लग जाएंगे अगर जो पहले ऑर्डर दी थी अगर वो हो गए होंगे वो लेके आ जाएंगे हाँ जो पहले वाले ऑर्डर दिए थे वो लेके आ जाएंगे अभी अगर हो गए होंगे तो और नहीं तो फिर इसके साथ ही वो भी लाने पड़ेंगे अभी ये लेके जा रहे हैं इसके नाप से बनाना पड़ेगा ना इसी वजह से वो उन्होंने पहले नहीं बना के रखा नहीं तो उसके साथ ही लेके आते उस दिन ही हमने वो उनको ऑर्डर दिया था उसका बट क्या कर सकते हैं इसको जब लेके जाएंगे तभी तो लाएंगे ना वो सामान वो लेके आ जाएंगे नवाब वगैरह और जो भी चिल्लर छोटा छोटा सामान है उसके बाद में कुशन वाले शॉप में जाएंगे और जो कुशन वाले बनाने वाले उनको बुला के क्या क्या मटेरियल चाहिए हाँ, वो जो हेडबोर्ड है ना मेरे बेड का और माही के और अद्विक के बेड का उसके लिए हेडबोर्ड बनाने के लिए और उसके बाद फिर वो जो सीरीज है हाँ, जो स्टीप लगा रहा है उसको करेंगे हाँ उसका करेंगे अरे वो चिल्लर जल्लर बहुत काम हो जाता है यार मतलब हमें लगता है कि नहीं यार इतना सही है बट बाकी बहुत घूमना पड़ता है चलो फिर मिलते हैं शॉप में आपको आपको सीट बेल्ट आवाज दे रहा था इनको सुनाई नहीं दे रहा था मेरे आवाज के चक्कर में इस वजह से अभी उनको सुनाई दिया जब मैंने आवाज बंद किया तब उनको सुनाई दिया फिर याद आया कि सीट बेल्ट लगाना मेन रोड पे वैसे गाड़ी भी लगनी कि हम गेट से बाहर ही निकले घर से बाहर ही निकले थे तो चलो कोई बात नहीं हम लोग डीमार्ट आए हैं एक्चुअली कुछ सामान लेना था तो इसी वजह से डीमार्ट आया है वो सामान ले लेंगे और उसके बाद जो भी काम करना है वो करेंगे मतलब पहले सामान लेना हो जाएगा ना तो टेंशन फ्री हो जाएंगे तो थोड़ा सा ही सामान लेना है ज्यादा नहीं है तो जल्दी से हो जाएगा है ना आधा घंटा भी घंटे में हो जाएगा ताकि बार बार आना नहीं पड़ेगा चलिए जाते हैं अंदर फाइनली सारा सामान लेना हो चुका है और हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से डीमार्ट से दूसरी जगह जाने के लिए यहाँ ये जो ग्लास है वो डाल देंगे और उसके बाद निकल जाएंगे नाव बॉब लेने के लिए तो गाइज यहाँ पर पहुँच गए हैं एक्चुअली किसी ने मुझे कमेंट किया था कि वो यहाँ पे MIDC में ही रहती है बट यार डियर मुझे इतना टाइम नहीं है बहुत जल्दी काम करना है
तो इसी वजह से और कभी आऊँगी ना तो आपको पक्का बताऊँगी। और आपका कमेंट भी याद नहीं है कि कौन से वीडियो पे था, तो इसी वजह से अभी ये भी नहीं कि मैं आपको कमेंट में रिप्लाई दूँगी आप कब देखोगे, और इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं है मेरे पास, तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पर काम कर लेते हैं अभी और फिर निकल जाते हैं। पक्का नेक्स्ट टाइम मिलेंगे जब भी मैं यहाँ पर आऊँगी तभी। क्लास तो दे दिया हमने, हमें नहीं पता था कि आज बंद रहता है ये, मतलब मंडे ना आज, फिर भी बंद है, आज बंद है, तो इस वजह से वो जो ग्लास बने हुए हैं, बने भी होंगे या नहीं भी बने होंगे तो हमें नहीं पता, क्योंकि वो लोग नहीं बता रहे और बोल रहे हैं कि बंद है आज, तो आज नहीं दे सकते, सिर्फ ग्लास उन्होंने ले लिया है वो, और अभी वही सेम ग्लास हमें बनवा के देंगे, दोनों ग्लास एक साथ ले जाएंगे। हाँ, ये वाला और वो जो हमने पहले डाले थे वो दोनों ग्लास फिर एक साथ ले जाएंगे। यहाँ पर पूनम में पहुंच गया है, तो पूनम में देखते हैं नॉब वॉब देखना है, तो यहाँ पर वो देखेंगे। एक मिनट, दूसरी कार आ रही है, तो यहाँ पर वो देखेंगे नॉब वगैरह और हैंडल वगैरह देखेंगे, और उसके बाद यहाँ से निकलेंगे फोम के लिए। चलिए, यहाँ का तो काम हो गया है, अब जाने वाले हैं हम लोग फोम वाले के यहाँ पे। तो कहाँ जाना है हमें? अभी राजापेट में जाएंगे और फिर वहाँ पर फोम वाले के यहाँ पे जाएंगे और फोम सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद जाएंगे घर पे। अरे बाप रे बाप, आज इतना सारा काम, सुबह सुबह काम किया करो, निकला करो। देखो यार, ये इतना सुबह, इनको पता है कि क्या क्या काम होते हैं हमारे पीछे, मतलब क्लीनिंग ये वो, सुबह का सारा काम खत्म करके अभी खाना वाना बना के, अभी किचन में काम चल रहा है तो जल्दी से खाना बनाना पड़ा, सब कुछ बना के फिर आई यहाँ पे, और ये बोलते निकलती नहीं हूँ निकलती नहीं हूँ। जाने के टाइम पे बाहर निकली और फिर याद आया कि वहाँ पर बाल गिरे हैं मेरे नीचे, तो वो भी मैंने सोचा उधर से आने के बाद करेंगे, तब करेंगे, और बाल इधर उधर उड़ गए, तो मैंने क्या किया, वहाँ पर झाड़ू लिया, मतलब इनको बोला गाड़ी निकालो, अब झाड़ू लिया और झाड़ू करके आई, तो इतना तो करना पड़ता है। और फिर ये बोलते हैं कि निकलती नहीं हो जल्दी, निकलती नहीं हो, इनको क्या है शर्ट पहना और बस, वो तो पहना हुआ ही रहता है ड्रेस आपका हमेशा, काम तो सब करना पड़ता है ना, अगर ज्यादा काम हो तो जल्दी निकल के सभी होंगे ना। हाँ, बट हमारे भी प्रॉब्लम होते हैं यार घर पे, एक दिन की वीकली ऑफ रहता है उसमें। हाँ। दुनिया भर के काम रहते हैं तो फिर क्या करें, बताओ आप भी बताओ। एक बताओ। नहीं, अभी तक तो वीकली ऑफ भी नहीं मिलता था, अभी वीकली ऑफ मिल रहा है। हाँ, एक दिन ऑफ मिल रहा है तो उस दिन काम कर ले रहे हैं आज सारे के सारे। चलो कोई बात नहीं, हो जाएंगे आज सारे, संडे आ रहे हैं। हाँ, बीच में मिल रहा है, मतलब हाँ अभी मिल रहा है, अभी ये ड्यूटी चेंज हो गई है तो अभी मिल रहा है, एक दो हफ्ते से। हाँ। दो हफ्ते से मिल रहे हैं, दो दिन, मतलब एक तो लीगली मतलब वीकली ऑफ मिल रहा है, और एक ऐसे ही थोड़े देर के लिए जाते हैं और आते हैं ऐसे करके, संडे के दिन मिल जाता है, नाइट हो तो दिन में थोड़ा सा काम करने के लिए। तो ऐसा हो जाता है। चलो एडजस्ट मिलते हैं फिर आपको फोम की दुकान में। यहाँ पर आ गया है अभी हेडबोर्ड का देखने, तो चलिए अभी माल दिखाते हैं आपको। Oh,
हो चुका है और फाइनली सारे काम हो गए हमारे आज एक ही दिन में सारे के सारे काम कर दिए, इसलिए इनको जल्दी निकलने के लिए बोलना पड़ता है। अरे यार हमेशा का वही चल रहा है आपका तो। अभी तक खाना नहीं खाया मैं। अरे खाना नहीं खाया हम लोगों ने, दोनों ने ऐसे ही निकल आए थे और चार घंटे तो निकल ही गए आराम से, इसलिए जल्दी निकलने के सोचने के आराम से 4 घंटे निकल गए हमारे यहाँ पे, 4 से ज्यादा घंटे निकल गए। चलो यार कोई बात नहीं है, हो गया तो सारा का सारा काम हो गया आज, मतलब टेंशन फ्री हो गए काम से, मतलब ये वाला काम तो हो गया, अभी बस वो जो ऑर्डर किया है वो आना बाकी है, बट अब वो अभी 2-4 दिन के बाद आएगा, जो ऑर्डर का माल होता है वो 2-4 दिन के बाद आता है और उसके बाद हमारा काम स्टार्ट होगा, मतलब और 8-10 दिन तो लगने ही वाले हैं। अगर मुझे फुर्सत मिले या ना मिले फिर भी मटेरियल तो आ ही गया अभी। हाँ हाँ बराबर है, क्योंकि मेरे बिना काम मरने वाला नहीं है, अगर कल सपोज करो मेरे जो मैं बिजी भी रह गया तो वो मटेरियल आने के बाद वो लोग काम कर सकते हैं। हाँ बराबर, इस वजह से घर का तो मैं देखने ही वाली हूँ। हाँ। घर का तो कोई टेंशन ही नहीं है, सिर्फ बाहर का रहता है कि ये मुझे लेके आता है, फिर हम दोनों मिलके सिलेक्ट करते हैं और फिर जाके वो चीज सिलेक्ट होती है और फिर वो चीज हमारे घर पे आती है, दोनों की चॉइस रहती है हमारे घर पे, मतलब एक की चॉइस नहीं चलती। फिर भी डिजाइन वगैरह का तो मैं देख लेती हूँ, डिजाइन तो सारी मैं दे देती हूँ, बट जो कपड़ा सिलेक्ट करना है या कुछ मटेरियल सिलेक्ट करना है वो सारा कुछ हम दोनों मिलके सिलेक्ट करते हैं, कभी इनको पसंद आता है तो चलो ये ले लो, कभी मुझे पसंद आता है तो चलो ये ले लो, ऐसे करके हम लोग ले लेते हैं। चलो फिर अभी घर में घर पे जाते हैं और क्या मेनू बनाया वो बताते हैं। हाँ चलो बाय बाय। गाइज आते ही मैंने खाना खाया, इन्होंने और मैंने खाना खाया, बेचारी माही भी हमारे लिए रुकी थी खाना खाने के लिए इतने टाइम तक, अभी 4:30 बज रहे हैं और 4:30 बजे तक रुकी थी माही भी, तो हम तीनों ने भी खाना खाया और अभी बर्तन साफ करने हैं, बस इतने बर्तन क्लीन करने हैं। और इतना सारा सामान लाया है मैंने आज डीमार्ट से, ऑर्गेनाइजर्स लाए हैं और बहुत अच्छा अच्छा सामान यहाँ पर रखा है, तो ये सारा सामान सैनिटाइज करके ये लेके आया है अभी डिक्की से और यहाँ पर रख दिया है, तो मैंने सोचा चलो आपसे बात कर लेती हूँ और आपको दिखा देती हूँ, वो अभी नहीं दिखाऊंगी आपको, वो थोड़ी देर के बाद दिखाऊंगी, घर शांत हो जाए, ये खटखट पिटपिट ये सब कुछ खत्म हो जाए उसके बाद दिखाऊंगी आपको आराम से सारी चीज़ें, शाम को दिखाऊंगी। अभी बर्तन क्लीन कर लेती हूँ और उसके बाद आराम से बैठती हूँ थोड़ी देर और उसके बाद रिलैक्स होकर आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगी। खाली 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 थोड़े आन के खाली हम बस देखो मंदिर का एक डोर निकाल दिया, अजीब सा लग रहा है अभी, एक ही डोर है मंदिर को और एक डोर हमने वो चेंज करने के लिए दिया है उन्हें, अजीब सा ही लग रहा है, 3-4 दिन नहीं आने वाला, 3-4 दिन से ज्यादा भी लगने वाला है, तो ये बिल्कुल अजीब लग रहा है यहाँ पे। और देखो मेज, देखो अभी ये सारा काम हो गया है और एक बार मैंने इससे पहले भी झाड़ा था आपने देखा है, और अभी देखो मेज, देखो यहाँ पर भी पूरा क्लीन किया था मैंने, ये पूरा क्लीन किया था, अभी और क्लीन करना पड़ेगा, ये देखिए पूरा धूल, बारीक धूल है, ये देखो यहाँ पर सब कुछ क्लीन किया था बट यहाँ पर ये लगा दिया है, ये एक मिनट ये देखो बर्निया लगा दी है और ये लाइट्स भी लग गया है, कैसे लग रहा है जरूर बताना मुझे कमेंट करके, इसमें भी लग गया है, इसमें भी लग गया है और यहाँ पर भी लग गया है, यहाँ पर भी है और वहाँ पर, और देखो यहाँ पर भी है, कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा कमेंट करके, अभी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है मुझे, मतलब पास से देखने से तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है, सिर्फ ये कैबिनेट रह गया है, थोड़ा सा मेज साइज कैबिनेट में इग्नोर करना, वो कैबिनेट रह गया है सिर्फ,
अभी लाइट लगने का, बट उसमें लगेगा भी नहीं क्योंकि वहां पर तोड़फोड़ करनी पड़ेगी ना, तो इसी वजह से वहां पर बोर्ड इधर है, तोड़फोड़ करनी पड़ेगी, इसी वजह से वो नहीं लगेगा अब। तो चलिए जल्दी से क्लीनिंग में लग जाती हूँ, टाइम वेस्ट करने से फायदा नहीं है, शाम हो गई है, दिए लगाने का टाइम हो गया है और क्लीनिंग में लगती हूँ। तो पास से दिखाने से ही पता चलेगा कि धूल कितनी ज्यादा है, ये देखो यहाँ पर भी धूल है, ऐसे में रहा नहीं जा रहा है, पता है क्या, ये देखो इतना ज्यादा गलाठा करके रखा है, ये सारा मेस उठाना है, उसके बाद यहाँ पर देखो डेली क्लीन होता है, ये जगह डेली क्लीन होती है, बट धूल देखो कितनी ज्यादा धूल है यहाँ पे, एक भी दिन ऐसा नहीं जाता है कि ये जगह क्लीन नहीं होती है, बट इतना ज्यादा धूल बढ़ जाता है। और वो वहां पर ये वाली भी फ्रेम लगा दी है, यहाँ पर अभी अच्छी लग रही है ये वॉल पे, ये खाली खाली लगती थी वॉल ना, अगर यहाँ पर मिरर में देखते हैं या यहाँ पर हैंड वॉश करने आते हैं तो वो फ्रेम दिखती है, अच्छा लगता है, वो वॉल खाली नहीं दिखती अब। हाँ ये जो फ्लावर पॉट है ना, ये मुझे उठाना है जल्दी, बट मैंने सोचा चलो अभी वहां पर रख देते हैं कुछ दिन, बाद में उठा लूंगी यहाँ से, वहां पर कुछ और सजाने की बात तो आपको पता चली जाएगा कि कैसे सजाने वाली हूँ घर, तो पूरा सजने के बाद तो आपको पता चली जाएगा कि कैसे सजाने वाली हूँ घर। और हाँ एक पार्सल आया है अभी अभी, माही ने ओपन किया है, तो ये वाला पार्सल है, मतलब उसमें ये है, एक्चुअली ये आया था पहले मीशो से। आप लोग बोलते हो ना कि मीशो के सारे ही चीजें आपको अच्छी मिलती है क्या, नहीं डियर अच्छी नहीं मिलती है, कुछ किसी का कपड़ा अच्छा नहीं होता है, कुछ चीजें टूटी हुई रहती है, तो ये बास्केट मैंने पहले ऑर्डर की थी, साइड से टूटी हुई थी तो इसी वजह से मैंने एक्सचेंज के लिए डाल दी और फिर वो लेके गए थे और ये अभी आई है। तो ये जो बास्केट है ना, फ्रूट बास्केट है, जैसे कि हम लोग वॉश बेसिन में जो भी चीज़ें वॉश करते हैं, तो जैसे कि मैं मैंगो वैंगो वॉश करती थी तो वो टोकरी में रखना पड़ता था मुझे, तो अभी मैं इस चीज़ में रख सकती हूँ, मैं आपको इसका डेमो दिखा दूंगी बाद में कभी। और तो ये बास्केट मैंने ली है और बहुत अच्छी क्वालिटी की अभी रिसीव हुई है, क्वालिटी तो अच्छी थी इसकी पहले भी, बट टूटी हुई रिसीव हुई थी, तो इसी वजह से मैंने वो एक्सचेंज के लिए डाली थी, एक्सचेंज होके आ गई है ये। तो ऐसा होता है कभी कभी, कपड़े की भी क्वालिटी अच्छी नहीं आती है, बट कपड़े मैं रिटर्न कर देती हूँ, जो अच्छी नहीं आती है ना क्वालिटी आपको दिखाती भी नहीं हूँ, वो रिटर्न कर देती हूँ, तो जो भी मैं आपको दिखाती हूँ ना तो उसकी क्वालिटी अच्छी होती है जो मैं आपको दिखाती हूँ, तो ऐसा होता है। चलिए मैं काम करती हूँ अपने, यार ये जला रहे हैं वहाँ पे जो भी कचरा निकलता है, छोटी मोटी चीज़ें निकलती है ना डेली की, एक मिनट आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर कचरा जला दिया है इन्होंने क्योंकि जो डेली की चीज़ें निकलती है ना फिर और मेस हो जाता है यहाँ पे, ये पूरा कचरा है, छोटी छोटी चीज़ें निकलती है, छोटे छोटे टुकड़े निकलते हैं इसके प्लाई के, तो वो जला दिए हैं। अरे वाह, आज अद्विक के लिए नया बॉल लिखा, अद्विक के लिए हमेशा ही बॉल आता है और हमेशा ही वो गुम कर देता है, निकाल देती हूँ, आप खेलो ना तब तक, अच्छे से तो बांध के दिया पापा ने, देखो ऊपर खेलो ना बेटा फुटबॉल, वो उसको बॉक्सिंग जैसे खेलो, माई निकाल दो बेटा, निकाल दो गाइज, अभी बारिश हो रही है एक्चुअली और इनका काम देखो क्या चल रहा है, इनका काम दिखाती हूँ आपको, ये देखो ये जो मेरा मिरर है उसे स्ट्रिप लगा रहा है ये, और ये ना टुकड़े टुकड़े बचे थे तो इसी वजह से वो जोड़ रहे हैं और जोड़ के वो कारागिरी घर पे ही कर रहे हैं, टुकड़े बचे थे ना, ये दूसरी लाई आपने, नहीं ये जो हाँ बराबर है वही ना, तो मैं वही सोच रही हूँ जो पीओपी में लगाते नहीं है स्ट्रिप, वो है वो सीलिंग की अद्विक यहाँ पर, और माही दीदी लूडो खेल रही है, देखो टीवी में लूडो खेल रही है माही दीदी, और अद्विक यहाँ पर जूम करके देखो, जूम करके कैसे दिखाओ, हाँ नहीं होता जूम, नहीं होता उसके पास नहीं ना, ठीक है। और हाँ जो मैं आपको वो दिखाने वाली थी ना, क्या बोलते हैं, तो डीमार्ट से जो सामान लाया था वो वाला सामान दिखाने वाली थी ना, तो मैंने सोचा चलो कल दिखा देती हूँ आपको, फ्रेश मूड में सारा सामान दिखा दूंगी, और इतने अच्छे अच्छे ऑर्गेनाइजर्स मिले ना, है ना इस बार बहुत अच्छे मिले हैं यार, ये बोल रहे थे कि ले लो तुम्हें ऑनलाइन लेने से अच्छा है कि यहाँ पर ले लो, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के मिले हैं यार, इतना अच्छा लग रहा है मुझे इस बार, बहुत ही अच्छे, मुझे जो चाहिए थे मैं कब से ढूंढ रही थी वैसे ऑर्गेनाइजर्स, तो वैसे मिल गए हैं मुझे,
और कल के ब्लॉग में दिखाती हूँ आपको, बहुत ही अच्छे अच्छे आपको भी पसंद आने वाले हैं। बहुत सारी चीजें ली है मैंने इस बार डिमांड से, मतलब ऐसे ग्रोसरी वोसरी ज्यादा नहीं ली है, ग्रोसरी थोड़ी सी ली है। ग्रोसरी के लिए तो मतलब जो चाहिए थी उसके लिए गए थे हम लोग, बट मुझे ज्यादा से ज्यादा ऑर्गेनाइजर्स खरीदने थे तो इसी वजह से वो लेने गए, और काफी सारी शॉपिंग हो गई आज भी। और ये मेरी तरफ देख भी रहा है कि यार ये लेने के लिए बोला है मैंने इसको, तो लेती जा रही है। तो फाइनली ले लिया जो भी चाहिए था मुझे। मैं दिखा दूंगी कल के ब्लॉग में आपको, कल के ब्लॉग का वेट करना। और हाँ सॉरी यार, मैं आज के कमेंट्स पढ़ रही थी अभी, तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने ना, मतलब मेरी सच में गलती हो गई है कि मैंने छत्रपति शिवाजी महाराज बोलना चाहिए था, तो मैंने शिवाजी महाराज की फ़ोटो बोली जो यहाँ पर लगाई है ना हम लोगों ने, तो ये फ़ोटो मेरे हस्बैंड ने बहुत दिल से लाई थी और इनको बहुत ज़्यादा पसंद है वो। एक्चुअली ये भी छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में कुछ सुन नहीं सकता है, ये भी बोल रहा है मुझे कि सॉरी बोल दो सबको, क्योंकि इनको भी बुरा लगा जब इन्होंने वो व्लॉग देखा, जब मैंने शूट किया तो इनको पता नहीं था, जब इन्होंने व्लॉग देखा ना और इन्होंने कमेंट्स भी पढ़े ना, तो मुझे आके बोल रहा है कि सॉरी बोल दो सबको और सच में तुमने गलती की है आज करके। तो ये भी एक बात भी नहीं सुन सकते छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, मतलब बुरा तो मैंने नहीं कहा था, बट मैं ये भूल गई थी जल्दी जल्दी के चक्कर में, और थोड़ा सा मूड भी ऑफ था मेरा कल, तो इसी वजह से मैं आपको दिखाना चाहती थी, बट मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था कि यार मैं इनकी रिस्पेक्ट ना करूँ। ये ऐसे शख्स है कि जिनकी रिस्पेक्ट जितनी करो उतनी कम है, मतलब आपको बता नहीं सकती मैं, ये इतना मानते हैं, हम सब भी ने मानना चाहिए, और उन्होंने किया भी उतना ही है हमारे लिए, तो वो है। और सच में सॉरी जिनको जिनको बुरा लगा हो, बट मैंने इतना गलत भी नहीं कहा, बट ये भी नहीं है कि मैंने वो सम्मान उनको देना चाहिए था, छत्रपति का जो सम्मान उनको मिला है वो मैंने देना चाहिए था, तो सो सॉरी डियर। इसके बाद मैं याद रखूंगी कि छत्रपति शिवाजी महाराज ही बोलना है उन्हें, है ना। इन्होंने भी मुझे बहुत बार बोला कि यार जो सब लोग बोल रहे हैं ना वो सही है, उनका वो सही बोल रहा है, और आपने सॉरी बोलना चाहिए सबको, तो सो सॉरी डियर जिनको भी बुरा लगा हो मेरी तरफ से। मुझे भी अभी बुरा लग रहा है, ये भी मुझे बार बार बोल रहा है, तो मुझे अभी बुरा लग रहा है कि यार सच में मैंने थोड़ी सी गलती कर दी है, तो इसके बाद मैं याद रखूंगी और उनका सम्मान उन्हें दूंगी। तो मेरे दिल में ऐसा कुछ भी नहीं था आप समझ लो, बट हो जाता है कभी कभी, गलती हो जाती है, इंसान से ही गलती होती है। चलिए अभी इसके साथ ही इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। कल के ब्लॉग में मैं ऑर्गेनाइजर्स दिखाने वाली हूँ आपको, बहुत ही पसंद आने वाले हैं, तो कल का ब्लॉग देखना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, जो भी गलती हुई है माफ कर देना, और आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, हाँ लाइक जरूर कर देना, और शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। ये देखो आज, हाँ दिखाया मैंने पहले ही, आज अद्विक के लिए बॉल लेके आया, आपको तो पता ही है हमेशा बॉल लेके ही आता है उसके लिए, क्योंकि जब भी हम लोग डीमार्ट जाते हैं तो खाली हाथ आते ही नहीं है, उसके लिए बॉल तो होता ही है, और ये बॉल कहाँ घूम कर देता है या कुछ कहाँ फोड़ देता है हमें पता भी नहीं रहता है, मतलब बॉल दिखते ही नहीं है इसके। अभी देखो इस पे चढ़ रहा है बॉल के ऊपर, ऐसे करता है ये। हाँ रेड मास्क भी खो दिया था डीमार्ट में पिछली बार, तो क्या बोल रही थी मैं, और हाँ लाइक जरूर कर देना यार, लाइक करने में बहुत ही ज्यादा कंजूसी करते हो आप लोग, और सब्सक्राइब करने में भी बहुत ज्यादा कंजूसी करते हो, इतने लोग देखते हो और सब्सक्राइब ही नहीं करते हो, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाजू में जो बेल आइकॉन आएगा उसे क्लिक करना मत भूलिएगा, उसे ऑल पे क्लिक करना, और ताकि और ये कैसे दिख रहे हो आज आप, हाँ हाँ घंटी को भी दबा देना, और केस बहुत बढ़ गए हैं, बाल नहीं बढ़े हैं अद्विक के, केस देखो केस कितने बढ़ गए हैं अद्विक के, तो अद्विक के केस काटने हैं, अद्विक के बाल काटने के लिए उसको बोलते हैं ना, तो कितनी मेहनत से बढ़ाए मम्मा मुझे नहीं काटने तो अभी बोल रहा है कि आपको अब मेरे केस कितने बढ़ गए हैं, तो और हाँ मैं क्या बोल रही हूँ, मैं भूल जा रही हूँ बार बार, तो क्या बोल रही थी, सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, और दोनों चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, इसके अलावा मेरे दो और चैनल है उसकी लिंक और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टा की लिंक आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना। हाँ मैंने तो घंटी को दबाने के लिए बोला ही नहीं, आप बोल दो आओ घंटी को दबा देना पक्का, वो जो क्या बोलते हैं नोटिफिकेशन बेल आइकॉन होता है उसे ऑल पे क्लिक करना मत भूलिएगा, और
आप लोग देखते हो यार, सब्सक्राइब नहीं करते हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, हमें 100 के जल्दी क्रॉस करने हैं और सिल्वर प्ले बटन लाना है हमारी फैमिली का, आई एम के फैमिली का, इंडियन मॉम कंचन फैमिली का सिल्वर प्ले बटन होना चाहिए हमारे पास। तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ यार सिल्वर प्ले बटन के लिए। डायमंड प्ले बटन, यार सिल्वर प्ले बटन ही तो नहीं आया अभी तक, आप लोग सब्सक्राइब ही तो नहीं कर रहे हो। चलो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, अभी सिल्वर प्ले बटन लाना है हमें। चलो बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, पक्का ध्यान रखना अपना। बाय बाय। इधर नहीं, इधर इधर इधर।